अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एहसास इमदाद प्रोग्राम की तरफ से पैसे मिलना स्टार्ट भी हो गए हैं और कुछ लोग जिनके अहल थे और उन्हें कहा गया था कि आपको पैसे मिलने से पहले एसएमएस कर दिया जाएगा, उनको भी एसएमएस कर दिए जाएंगे। लेकिन आज मैं मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कहा गया था कि आपके शोहर या आपके वालिद इस चीज़ के लिए अहल हैं, लेकिन वो फौत हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, उस चीज़ के लिए क्या किया जाए। तो व्यूअर्स, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों के लिए, उन गरीब ख़ानदानों के लिए जिनके सरबराह फौत हो चुके हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है जिन पर उन ख़ानदान के अफराद रابطہ कर सकते हैं, और रابطہ करने के बाद कुछ कवायफ और कुछ जांच पड़ताल के बाद, कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करने के बाद, उन ख़ानदानों को पैसे दिए जाएंगे जो कि नामुमकिन था। मतलब ये सिर्फ उन्हें ही मिलने थे जिनकी वेरिफिकेशन होनी थी, वेरिफिकेशन करते और पैसे हासिल कर सकते थे। लेकिन हुकूमत ने इस बात का भी हाल निकाल लिया है कि उन ख़ानदानों को कैसे पैसे दिए जाएं, तो एक हेल्पलाइन हुकूमत ने जारी कर दी है जिन पर आप रابطہ करके पैसे हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं हेल्पलाइन आपको ये स्क्रीन पर दी गई है, आप इस हेल्पलाइन पर रابطہ करके वहाँ से पैसे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, और कुछ ऐसे लोगों का भी क्वेश्चंस हैं कि यार, जो मतलब परेशान हैं, जिनका अहल करार दिया गया था लेकिन उन्हें एसएमएस नहीं आए, और जिन्हें कहा गया था कि ज़िले इंतज़ामिया से रابطہ करें, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है लेकिन फिर भी उन्हें अब तक कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लोगों को भी जवाब मौसूल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2.5 हफ्तों का टाइम दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि 2.5 हफ्तों से भी ज़्यादा का टाइम हो जाए। तो अभी हो ये रहा है कि जिन्हें BISP मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड थे, सबसे पहले तकरीबन 23 लाख ख़ानदान हैं, तो सबसे पहले उन्हें रकम दी जा रही है, उसके बाद ही उन लोगों को दी जाएगी जो एहसास प्रोग्राम में अहलियत रखते थे या जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन कराई। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने स्क्रीन पर वो नंबर दिए गए हैं, वो हेल्पलाइन दी गई है जिस पर आप रابطہ करके उन अफराद के पैसे ले सकते हैं, उन मतलब ख़ानदान में से कोई सरबराह होगा जो कि उन अफराद के फौत होने के बाद ख़ानदान का बड़ा है, तो वो वहाँ रابطہ करके पैसे हासिल कर सकता है। ये नंबर आपके सामने है, तो आप अभी उनके साथ रابطہ करें और पैसे हासिल करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की अपडेट, तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू आने वाले इन्फॉर्मेशन से आगाह होते रहें, आपको न्यू अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।